जिनके समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम बनने का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई आप किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? तो विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए, सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप जिनके समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, व्यवस्थित नहीं करो, विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम बनने का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? तो विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए, सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप जिनके समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, व्यवस्थित नहीं करो, विरोध करने के लिए स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम बनने का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? तो विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए, सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप जिनके समर्थन में आओगे
और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। आंदोलन नहीं जबरदस्ती नहीं करवाओ, स्वतंत्र जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਖਰੀਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਖਰੀਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ किसान कर रहे ने कि आखिरकार सानू MSP दी गरंटी दिती जावे। तो यह सब दे विचाले जिथे एक पासे प्रधानमंत्री तो लैके तमाम केंद्र सरकार दे मंत्री एक गल्लां दा दावा कर रहे ने कि MSP खत्म नहीं होवेगी, तो दूजे पासे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों अजिहा बयान दिता गया है। किसान सम्मेलन नूं संबोधन करन दे लई पहुंचे हुए सन ग्वालियर विखे, जिथे उन्हां नूं मजदूरां ने किसानां ने घेरा पा लिया ते ताबड़तोड़ सवालां दी झड़ी लगा दित्ती ते किस तरह खेतीबाड़ी मंत्री इन्हां सवालां दे जवाब दे रहे सन, तुसीं वी वेखो ए वीडियो। किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध, विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाओ, स्वतंत्र जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा। भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध, विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मैं चर्चा करूँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? आंदोलन नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाओ, स्वतंत्र जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो।
आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए। अगर आप समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? नहीं, जबरदस्ती नहीं करो, स्वतंत्र हो। जब विरोध करोगे तो फिर जो प्रशासन की बातचीत है वो रोकेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि ये कहा गया है कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं या हम जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। आप मुझसे समझ लीजिए, मैं समझ दूंगा, आप मुझसे बात करो। आपको मैं बता दूं, जिस समय आप डबरा आए थे चुनाव रैली के दौरान, जिस दिन आप वहां से निकले उस दिन किसानों ने आंदोलन किया, आपको आवेदन देने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन 125 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई। जब आंदोलन करोगे तो व्यवहार आंदोलन का हो, जब चर्चा करोगे तो व्यवहार चर्चा का होगा। इसका मतलब ये कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा? भ्रष्ट सिस्टम मंडी का, भ्रष्ट सिस्टम को कौन देख रहा है? कानून के माध्यम से उसको समाप्त किया, किसान को राहत देने के लिए कानून बनाया। इसका कोई भी फायदा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं हमारे वोट किसानों को दिखाई दे रहा है कि कोई किसानों को तो आपके सम्मेलन में जाने नहीं दिया, हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। कर रहे होगे ना विरोध? विरोध आप एक मिनट सुन लीजिए। सीधी सी बात है, कुल मिला के अगर आप बिल के समर्थन में आओगे और चर्चा करने के लिए आओगे तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें?